अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा। इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि 22 जनवरी की तारीख ही क्यों मंदिर के उद्घाटन के लिए चुनी गई, कोई और तारीख क्यों नहीं चुनी गई। वैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तो बवाल मचा हुआ है ही। इस मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है। साथ ही माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर ही बीजेपी सत्ता में आई थी। चलिए पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले तारीख को समझते हैं कि आखिर 22 जनवरी ही क्यों रखी गई है। दरअसल मकर संक्रांति के एक दिन बाद यानी 15 जनवरी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी एक शुभ तिथि माना जा रहा है। ट्रस्ट के महासचिव संपत राय ने 22 जनवरी की तुलना 15 अगस्त से करते हुए कहा है कि 15 अगस्त 1947 के जितना ही 22 जनवरी 2024 भी महत्वपूर्ण है। महासचिव ने कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या के लोगों में संतुष्टि की भावना है। उन्होंने कहा कि 1983 के बाद से पूरे देश के लोग राम मंदिर से जुड़ने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इस दिन मृगशिरा नक्षत्र और अमृत सिद्धि योग का अनोखा संयोग बन रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का कहना है कि पंचांग के अनुसार 22 जनवरी को बहुत शुभ माना जा रहा है, इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इसी दिन की जाएगी। ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामलला को रथ पर सवार कराकर पूरे अयोध्या की परिक्रमा कराई जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही देश के कोने कोने से बुलाए गए साधु संत, महामंडलेश्वर और कार सेवक भी होंगे। वहीं इस पूरे मामले पर प्रमोद गोस्वामी कहते हैं कि राम मंदिर के सहारे बीजेपी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। पहले बीजेपी के 2 सांसद थे, लेकिन अब आधे से ज्यादा राज्यों और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इसमें मंदिर मुद्दा बहुत बड़ा योगदान रहा है। मंदिर मुद्दे का राम मंदिर के जरिए बीजेपी ने देश के 80% मतदाताओं को टच किया है। इसलिए निश्चित रूप से राम मंदिर निर्माण का 2024 लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा। वो कहते हैं कि बीजेपी गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह राम मंदिर निर्माण का प्रचार करेगी। देश की एक एक जनता तक सीधे पहुंचकर बताएगी कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो कहा था वो हमने किया है। इसलिए राम मंदिर निर्माण का लाभ बीजेपी को निश्चित रूप से मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।